आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा ट्रैवल होने वाला है शिमला के लिए, जो कि कालका यहाँ से जाती है। शिमला आप कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं ट्रेन से, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अभी कालका न्यू दिल्ली जो है, कालका दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगी हुई है, जो कि यहाँ से 4:15 में खुलती है। और ये 15 स्टॉपेज के बाद करनाल वगैरह होते हुए, कुरुक्षेत्र वगैरह होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए, ये सबसे लास्ट स्टॉपेज जो होता है वो कालका जाती है। कालका से आपको टॉय ट्रेन लेना पड़ेगा जो कि शिमला के लिए जाती है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से अगर आप प्लान बना रहे हैं तो दूसरा जो माध्यम है वो आप एयरपोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं, फ्लाइट के माध्यम से, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से मिल जाएगा। तो अभी हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन में है, देख सकते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 में, जहाँ से ये गाड़ी खुलती है हमारे पीछे, ये देख सकते हैं कालका दिल्ली जो है सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है। तो यहाँ पे अभी 3 बज चुका है, लेकिन ये 4:15 में खुलेगी और हमें 9:15 में हमें पहुँचाएगी कालका। तो ये 5 घंटे का ट्रैवल होता है, जो कि ये गाड़ी आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से 4 गाड़ियाँ चलती है। एक तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है ये वाला, दूसरा जो है वो आपको मिल जाएगा चेयर कार के लिए, और तीसरा जो है इस तरीके से और भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी शताब्दी वगैरह, उन सभी से आप जा सकते हैं। तो ये पीछे के लोकेशन में आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है जिससे अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जो है कालका के लिए, और कालका से फिर टॉय ट्रेन का हम सफर आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ से कालका के लिए आपको बता दें कि इसमें जो टिकट है वो पूरा जनरल बोगी है, तो आपको जो है आप यहीं से टिकट आपको काउंटर से लेना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जो है टिकट इसका नहीं मिलेगा। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है इसका आपको टिकट जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आके ही लेना पड़ेगा। तो ये अच्छी गाड़ी है कि आप यहाँ से रात को जा सकते हैं, देन वहाँ पे जो है आप पहुँच सकते हैं रात को 9 बजे, और फिर वहाँ से 9 बजे के बाद सुबह जो ट्रेन वहाँ से चलती है वो आप पकड़ के, और फिर टॉय ट्रेन पकड़ के, और फिर आप शिमला जा सकते हैं। तो ये अच्छा होता है कि ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये ट्रेन लगी हुई है, काफ़ी संख्या में लोग भी बैठे हुए हैं, पूरा जनरल है। और हालांकि इसमें जनरल है जिसके कारण से जो टिकटें हैं, जो सीट हैं, वो आपको खाली मिल जाएगा। और यही वो ट्रेन है जो कि इसमें लिखा हुआ भी है, मुरादाबाद दिल्ली कालका मुरादाबाद दिल्ली, तो इसका गाड़ी संख्या है 1431 है, जो कि यहाँ से चलती है और ये हमें आज ही रात को पहुँचा देगी कालका। कालका आपको बता दें, कालका जो है वो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पे जब आप जाएंगे तो पहुँच जाएंगे आप शिमला, तो वहाँ से नियरेस्ट है। अभी अंदर का टूर हम दिखाते हैं इंटीरियर, चूँकि ये जनरल बोगी का सफ़र है तो आपको दिखाते हैं। लेकिन जब भी आप शिमला का प्लान बना रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, तो यहाँ से ये गाड़ी आप पकड़ सकते हैं और फिर वहाँ से टॉय ट्रेन ले सकते हैं। तो लास्ट स्टॉपेज जो होता है कालका के लिए, जो कि दिल्ली से आती है और दिल्ली से आपको मिल जाएगी। करने के बाद ही आपको देख सकते हैं यहाँ एक बेसिन मिल जाता है, बेसिन के साथ साथ में एक मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे 2 वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की स्थिति पूरा दयनीय है, चूँकि ये जो जनरल बोगी है, तो जनरल बोगी में आप समझ सकते हैं वॉशरूम बड़ा ही खराब रहता है। और ये अंदर का सीन है, अंदर में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और ये बाहर का इस तरीके से है, जो कि अंदर में जो है जनरल है, जिसके कारण से आपको जो सीटें हैं वो आपको मिल जाएंगे एक एक करके, और अलग अलग सीटें, चूँकि इसमें सीट का नंबर नहीं दिया जाता, आप कहीं भी जहाँ भी सीट मिले वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों साइड से है, साथ साथ में नीचे जो है एक एक है विंडो साइड पे, तो इस तरीके से सीट मिलता है। इसके ऊपर भी देख सकते हैं बैठने की सुविधा है, और ये पूरा ट्रेन है इसी तरीके से। तो इसमें ज़्यादातर जो है 8 से 9 जो है बोगी वो आपका जनरल है, जो कि जनरल में आप ट्रैवल कर सकते हैं, और बाकी जो बोगियाँ हैं वो एक इंजन का है, दूसरा है सामान वगैरह ले जाने के लिए। तो ये जो ट्रेन है वो आपको जनरल बोगी में मिल जाएगा। टिकट प्राइस की बात करें 110 रुपये आपको लगेगा पुरानी दिल्ली से कालका के लिए, मात्र 110 रुपये में आप पहुँच सकते हैं, और कालका से फिर आप टॉय ट्रेन जो सुबह चलती है वो आप ले सकते हैं, या फिर रात को वहाँ स्टे कर सकते हैं। हालांकि अभी हम पूरा ट्रैवल आपको दिखाएंगे पहुँच कर, यहाँ के बाद ये रुकती है कुरुक्षेत्र वगैरह अम्बाला वगैरह होते हुए, बिल्कुल राइट टाइम पे यहाँ से खुल चुकी है पुरानी दिल्ली से कालका के लिए। और ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर, देख सकते हैं दोस्तों जनरल बोगी का कुछ इस तरीके से हाल रहता है जब आप कालका दिल्ली कालका सुपर फास्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल करेंगे तो। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, जब भी आप शिमला का प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से कालका के लिए जाती है बहुत सारी ट्रेन है, एक तो शताब्दी है, दूसरा ये ट्रेन जो ये 4:15 में खुलती है और कुरुक्षेत्र वगैरह होते हुए ये अम्बाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ होते हुए कालका की ओर जाती है। इसमें जितने भी डब्बे वो सारा जनरल है, 110 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन वही है, जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, अभी भीड़ कम हुआ जिसके कारण हम आपको दिखा पा रहे हैं, नहीं तो इतना भीड़ था कि मोबाइल भी हम निकालना पॉसिबल नहीं था। तो आप देख सकते हैं अभी कुरुक्षेत्र में
आके थोड़ा सा कम हुआ है भीड़, तो आगे एक यहाँ पे बैठने के लिए मिलता है साथ साथ में इस साइड पे, और दो सीटें इस साइड पे होता है। और सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो सामने आपको ऊपर मिल जाएगा सामान वगैरह रखने का, और इधर भी सामान वगैरह रखने का। फैन लगा हुआ है, जनरल बोगी में आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, उतना लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, हवा बहुत ही ज़्यादा चलती है जिसके कारण से आपको ठंड भी लगेगी, लेकिन इसमें एसी बोगी है भी नहीं, तो आपको जनरल में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये पूरा जो बोगी है 10-12 बोगी इसमें है, सारा जनरल है, तो जिसके जरिए आप जनरल टिकट कटा के ट्रैवल कर सकते हैं। 5 घंटे का टाइमिंग लेता है, और शताब्दी से आएंगे तो 1000 रुपया लगेगा, उसमें भी 5 घंटा लगेगा, तो उससे अच्छा है कि आप जनरल बोगी में आए, थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा, लेकिन सस्ता बजट में आपको खर्च करना है तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छा है, कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि ओल्ड दिल्ली से खुलती है, और ये 9:47 पे हमें पहुंचाएगी कालका। रात को अब देखते हैं रात को वहां जाने के बाद क्या मिलता है, चूंकि रात को हो सकता है वहां पे व्यवस्था ना हो, और रात को एक चीज़ है कि वहां पे ट्रेन नहीं है कालका से शिमला जाने के लिए। और खास करके इस ट्रेन में हम ट्रैवल इसीलिए कर रहे हैं चूंकि हमें टॉय ट्रेन को कवर करना है, टॉय ट्रेन का यात्रा हमको आप लोगों को दिखाना है, इसीलिए हम इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। सुबह 3 बजे हमें ट्रेन मिलेगी, 3 बजे तक हम जगेंगे और 3 बजे हम आपको दिखाएंगे टॉय ट्रेन में सफ़र करके। लेकिन रात का दृश्य देखिए, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, और बिल्कुल इसी में हम अभी सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ चल रही है गाड़ी और अंधेरा छाया हुआ, ठंड भी लग रही है, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये है पूरा इंटीरियल टूर जनरल बोगी का, इस तरीके से आपको देखने को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हम साइड में अभी खिड़की साइड में जो सीट होता है उसमें बैठे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो अभी कालका पहुंच के हम देखते हैं वहाँ क्या व्यवस्था हो पाता है, नहीं तो 3 बजे सुबह वहाँ से फिर कालका से शिमला के लिए ट्रेन है, तो 3 बजे तक हमको वेट करना पड़ेगा। वहाँ का टेम्परेचर हम अभी नेट में सर्च किए तो 1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो देखते हैं पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम अम्बाला कैंट पहुँचने वाले हैं जहाँ पे 2 मिनट का इसका हॉल्ट है, तो अम्बाला कैंट पहुँच के आपको और चीज़ें दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ पे 30 मिनट लेट पहुंची, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी हुई है, जहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। और आपको बता दें कि ये जो है जब आप यहाँ पे कैंट आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बाहर से यहाँ से निकलने के बाद ही आपको बहुत सारे ऑटोज वगैरह ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगा, तो जब भी आप कभी भी आते हैं तो यहाँ से आके और फिर अनेक जगह पे आप जा सकते हैं। 5 मिनट का हॉल्ट है, जल्द खुलने वाली है, तो अभी हम ट्रेन पे चलते और आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों अम्बाला कैंट, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा जब कभी भी आप यहाँ आते हैं तो इस तरीके से है। और बाहर के दृश्य में आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगती है अम्बाला कैंट। जब भी आप आते हैं देखिए, खाने पीने का सुविधा आपको सामने के लोकेशन में मिल जाएगा। और ये हमारी ट्रेन है मुरादाबाद कालका, कालका मुरादाबाद यानी कि दिल्ली से जो जाती है वो ट्रेन है, और इसी में अभी हम बैठे हुए हैं, अभी अंदर ले चलते हैं। ये बाहर का है, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, 5 मिनट के बाद ये खुल जाएगी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अभी लगी हुई है। और ये देख सकते हैं 8:23 पे हो गया, यहाँ पे इसका टाइमिंग है 8 बजे, तो 30 मिनट लेट पहुँची है। ये देख सकते हैं दोस्तों चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं जो कि 9 बजे यहाँ पे पहुँची है, 10 मिनट लेट है अभी आप देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल चुकी है, और यही गाड़ी हमारा है जो कि दिल्ली कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ये चंडीगढ़ के बाद अगला जो स्टॉपेज है वो कालका ही पड़ता है। यहाँ से अभी हम कालका के लिए जाएंगे और वहीं पे स्टॉपेज लास्ट है इस गाड़ी का, उसके बाद आगे कोई भी ये ट्रेन नहीं जाती, आगे जो है वो टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए, तो वो तो हम अभी वहाँ पहुँच के पकड़े सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ये लोकेशन है देखिए, तो फाइनली हम कालका पहुंच चुके हैं जो कि 20 मिनट लेट पहुंची है ट्रेन। लेकिन देखिए अभी 10:19 हो रहा है इसका, 10:09 में टाइमिंग है, तो 20 मिनट लेट पहुंची। लेकिन ये देखिए कालका का रेलवे स्टेशन जो आपको दृश्य दिख रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है आई थिंक, तो ये है दिल्ली से जो कालका के लिए चलती है दिल्ली कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ये कालका रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरा टाइमिंग जो है हमारा इतना लगा 5 घंटे का ट्रैवल था, और 5 घंटे के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे कालका रेलवे स्टेशन, और ये दिल्ली कालका सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। भोजनालय दिल्ली से लेकर कालका तक का कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हम यहाँ से देखते हैं रूम वगैरह होटल वगैरह देखते हैं पता करके, और यहाँ से सुबह जो है वो हमारी ट्रेन है शिमला के लिए, तो सुबह हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये था दिल्ली से लेकर कालका तक का सफ़र कि किस तरीके से आप आ सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ट्रेन है कि आप वहाँ पर अगर आप 4 बजे बैठते हैं तो यहाँ पे आप
9 बजे रात्रि में पहुंच जाइएगा। अभी हालांकि 20 मिनट लेट पहुंची ये ट्रेन, तो ये हमें पहुंचाई है यहाँ पे 10:19 पे। लेकिन ये देखिए, ये कालका रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, जहाँ तक अधिकतर जो लोग यहाँ पे आते हैं वो टूरिस्ट वाले आते हैं, टूरिज्म वाले आते हैं, जो कि शिमला वगैरह जब वो घूमने का प्लान करते हैं तो यहाँ पे आते हैं। और देन यहाँ से जो सुबह 3 बजे से जो है 4 ट्रेन चलती है यहाँ से शिमला के लिए, टॉय ट्रेन, जो कि टॉय ट्रेन से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, बस से भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, लेकिन बस से अच्छा है कि टॉय ट्रेन। और हमको आप लोगों के लिए टॉय ट्रेन का सफ़र दिखाना है, इसीलिए हम अभी इसी ट्रेन से आए और यहाँ पे रात को अभी रुकेंगे, और 3 बजे सुबह यहाँ से टॉय ट्रेन है, उसका हम सफ़र आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जो कि यहाँ से शिमला तक का पूरा सफ़र बहुत ही बेहतरीन होगा उस वाले टॉय ट्रेन में, तो उसका हम आपको दिखाएंगे। और 3 बजे है, फिर 5 बजे है, फिर 9 बजे है, फिर 12 बजे है, फिर शाम को 4 बजे। तो इस तरीके से 4-5 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से शिमला के लिए जाती है। यहाँ से शिमला डिस्टेंस की बात करें तो 200 किलोमीटर लगभग है, जो कि 5 घंटे का टाइमिंग वो भी लेती है। ट्रेन में जब आप जाएंगे तो वो भी 5 घंटा टाइमिंग आपका लग जाएगा। और बस से भी जाते हैं तो इसके सामने जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहाँ से बहुत सारी बसें मिलेंगी, जिसके जरिए भी आप जा सकते हैं। तो ये कालका रेलवे स्टेशन है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ठंड बहुत ही ज़्यादा। अगर आप अभी आप आ रहे हैं शिमला की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से कपड़े वगैरह लेके आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा ठंड में आप कपड़े वगैरह लेके आएँ, हालांकि हम उतना कपड़ा नहीं लाए हैं, लेकिन बहुत ही। रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे कालका रेलवे स्टेशन में, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा दोस्तों, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 से जो है वो दिल्ली के लिए जाती है, दिल्ली हावड़ा वगैरह के लिए जो है इधर से ही गाड़ियाँ जाती है, जितनी भी गाड़ियाँ जाती है। तो कालका में 1, 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म नंबर, यानी कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आगे जो है वो स्टेशन दूसरा है, अगर आपको शिमला जाना है तो उसके लिए दूसरा स्टेशन है, एंड दूसरा जो है ट्रेन वहाँ से लगती है, वहाँ भी हम आपको ले चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं डोमेट्री रूम वगैरह वो सारा इस साइड पे आपको मिल जाएगा, ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये डोमेट्री रूम ही बने हुए हैं जो कि आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये कालका का लास्ट स्टॉपेज है, देख लीजिए, इसके आगे ट्रेन ये नहीं जाती, इसके आगे जो है टॉय ट्रेन ही चलती है। तो इस तरीके से आपको रेलवे स्टेशन के अंदर देखने को मिलेगा जब आप आएंगे रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। और कालका रेलवे स्टेशन में जब आप शिमला के लिए टिकट कटाएंगे तो 12 बजे के बाद मिलेगा आपको शिमला के लिए, जो टॉय ट्रेन का जो टिकट मिलती है वो 12 बजे के बाद मिलती है, रात 12 बजे के बाद 3:30 बजे वाला जो ट्रेन होता है उसमें जाने के लिए। और वो जो सामने जितने भी ट्रेनें लगी हुई है यही ट्रेनें जाती है शिमला की ओर, ये जो टॉय ट्रेन आपको दिख रहा है यही जाती है। तो उसका जो है बोगी, एक बोगी जो है वो रिजर्वेशन है, बाकी जो बोगियाँ होते हैं वो जो है वो आपका जनरल होता है, तो उसमें आप कभी भी टिकट ले सकते हैं और जा सकते हैं। तो 3:30 बजे ये यहाँ से खुलती है, एंड 3:30 बजे यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर यू विजिट इन कालका शिमला रेलवे, वी होप टू सर्व योर अगेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे बैठने की सुविधा, जहाँ पे लोग बैठते हैं उछलते हैं कूदते हैं और देखते हैं घूमते हैं। और ये देखिए कितना भयानक यहाँ पे बनाया गया रहने के लिए। तो अभी 12 बजे रात बज चुका है, लेकिन ठंड ये लिखा ना 3:30 बजे शिमला मेल एक्सप्रेस जी, और 7 बजे और 12 बजे, इस तरीके से 4-5 ट्रेनें हैं, 6 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से जाएंगी। हम आपको दे देते हैं कि कौन कौन सा ट्रेनें कब जा रही है। तो ये 6 ट्रेनें हैं जो कि कालका से आप शिमला के लिए जा सकते हैं। आज का जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो 3:30 बजे वाला होने वाला है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुलती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कालका रेलवे स्टेशन है, जो कि रात का दृश्य है, 12 बज चुका है, 12 बजे आपको इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ से कालका से शिमला का जो किराया है वो अगर आप जनरल में जाते हैं, यानी कि जो जनरल में हम जा रहे हैं वो लोकल ट्रेन लेके जा रहे हैं, तो उसका जो टॉय ट्रेन ही है, लेकिन उसमें सारे जो बोगियां हैं वो जनरल है, तो 50 रुपया पड़ा है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ा, 50 रुपये में आप यहाँ से शिमला जा सकते हैं कालका से शिमला के लिए। तो मात्र 50 रुपये का आपको टिकट कटाना है, जो कि 12 बजे रात के बाद टिकट मिलता है। 12 बजे के पहले अगर आप कालका पहुँच जाते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद आप टिकट लेंगे, और यहाँ से ये देख सकते हैं कालका का बोर्ड लगाया गया है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। अभी हम 5 पे चलते और आपको दिखाते कहाँ लगी हुई है टॉय ट्रेन, जो कि 3:30 बजे यहाँ से खुलेगी और हमें ये पहुँचाएगी सुबह का 9 बजे पे शिमला, क्योंकि शिमला जाने के लिए आपको कालका से चेंज करना पड़ेगा, और कालका से ही ट्रेनें जाती हैं जो कि टॉय ट्रेन चलती है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आपको क्या बताएं। अब कालका में इतना ठंड है तो आप समझ सकते हैं कि शिमला में कैसा ठंड होगा। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 जा रहे हैं, जहाँ पे ये ट्रेन लगी हुई है टॉय ट्रेन, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जब आप आएंगे कालका में, कालका रेलवे स्टेशन में, तो इस तरीके से आपको देखने को नजर आएगा। ये ऊपर भी लिखा गया है, कालका शिमला रेलवे स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है।
ये सामने की लोकेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, जहाँ पे अभी ये ट्रेन लगी हुई है और काफी संख्या में लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि 12 बजे रात ही बैठ चुके हैं। पूरा जनरल बोगी है, किसी में भी आप बैठ सकते हैं और मात्र 50 रुपये में पहुंच सकते हैं। यही अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये किराया पड़ जाता है। यहाँ से 200 किलोमीटर 200 से प्लस किलोमीटर की दूरी पे है शिमला और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिसके कारण हम बोल नहीं पा रहे। लेकिन देखिए यही है टॉय ट्रेन जिसमें अभी हमको जाना है। एक बोगी इसमें रिजर्वेशन है, बाकी जो है वो आपको सिंपल जनरल बोगी मिल जाएगा। ये रिजर्वेशन है और बाकी जो बोगी है वो जनरल बोगी है। तो अभी जनरल बोगी में हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, यही है टॉय ट्रेन जो कि कालका शिमला के लिए जाती है, कालका से शिमला के लिए। इसमें 5 बोगी, एक आगे है, 2, 3, 4, 5 और एक 6 है, और प्लस में एक इंजन होता है। तो इस तरीके से कुछ होता है, जो कि अंडर का टूर अगर आप करें तो एक में बैठने का 38 है। देखिए इसमें 38 है और अगर आप उस वाले सीट में जाएंगे तो उसमें 7-8 ही है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो ये हालांकि अभी 12 बज चुका है रात्रि का, इसीलिए अभी आपको लाइटिंग नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाइट और आ जाएगा फिर हम आपको टूर पूरा दिखाएंगे, इंटीरियर भी इसका दिखाएंगे और कहाँ कहाँ पे रुकती वो भी दिखाएंगे। हालांकि अभी स्नोफॉल हो रहा है या नहीं शिमला में, ये देखने वाली दिलचस्प की बात होगी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुलती पहली जो ट्रेन है शिमला के लिए कालका से, देख सकते हैं ये पहली जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुलती है और यही है मेन जो है। इसमें जैसे ही आप इन करेंगे तो देखिए सामने के लोकेशन में आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा और उसके बाद बैठने का सुविधा है, जो कि अंधेरा आगे तो दिख नहीं पाएगा तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन बैठने का सुविधा इसी तरीके से। और ये देखिए ये पूरा जो है टूर है, तो बहुत टॉय ट्रेन देख सकते हैं। ये सामने का लोकेशन में जो इंक्लूड करता है एक से दूसरे को, और बहुत छोटा है, बहुत छोटा ट्रेन है, छोटा सा आपको सीट मिलेगा, साथ साथ में बहुत ही बेहतरीन है। तो ये कालका में अभी रुकी हुई है, ये 3 बजे यहाँ से खुलेगी, 3:30 बजे, उसके बाद हम आपको टूर देंगे सुबह का, मॉर्निंग का। अभी सारे लोग बैठ के अपना अपना सीट ले लिए, तो आप भी जब भी आएँ तो पहले बैठ के अपना सीट ले लें, क्योंकि बहुत छोटा रहता है। ये सामने के लोकेशन में एक और लगी हुई है, देख सकते हैं ये खुलेगी इसके बाद, ये हिमाचल क्वीन है, ये हिमाचल क्वीन है, तो ये खुलेगी कुछ देर बाद। तो इसी तरीके से खुलती है जितनी भी ट्रेनें होती है। थोड़ा सा लाइटिंग होने दीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग कालका से निकल चुके हैं और कालका से ये खुल चुकी है जो कालका शिमला की ओर जाती है। ये जब जनरल बोगी में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ नज़ारा है, जो कि आपको बहुत ही छोटा बोगी मिलता है। ये देखिए ये छोटा सा बोगी जिसमें से 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, 2 लोग इधर बैठ सकते हैं और इधर 2 लोग, हम भी यहीं पर बैठे हुए हैं। और ये पीछे का लोकेशन देखिए, यहाँ नीचे सोए हुए तो काफ़ी ज़्यादा फुल रहता है, जनरल बोगी में यही बात है, जैसे फुल मिलता है। अब देखिए फुल है और ये बाहर का दृश्य देखिए पहाड़ों से, अब आपको लाइटिंग वगैरह दिख रहा होगा। ये पहाड़ जो है पहाड़ से होती हुई गुजरती है ये, क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने में बनाया गया था इस लाइन को, उसके बाद ही से यहाँ से जो है बहुत सारी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और कालका से शिमला जाने के लिए ट्रेन से जब जाते हैं तो आपको यही एक माध्यम मिलता है जो कि टॉय ट्रेन है, बहुत ही छोटा ट्रेन है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इसमें ट्रैवल भी करते हैं। तो बाहर का कुछ कुछ नज़ारा आपको दिख रहा होगा, देखिए बहुत ही कम, लेकिन अभी जब ये उजाला और ज़्यादा हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें। देख सकते हैं मॉर्निंग हो चुका है और अभी हम लोग ये क्या है, ये देखो कितना खूबसूरत नजारा है दोस्तों, खाई खाई नज़र आ रहा है नीचे। तो ये हमारा कालका टॉय ट्रेन और इसमें चढ़ने का मज़ा यही आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आप खाई वगैरह देखें। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, जब आप आएंगे तो टॉय ट्रेन में बैठने का यही मजा और यही खूबसूरत।
जी फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं और ये देखिए शिमला स्टेशन। वाओ सो ब्यूटीफुल। ये फाइनली दोस्तों शिमला पहुंच चुके हैं और ये शिमला रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा रही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला और ये शिमला का रेलवे स्टेशन है जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे। अभी जो है हम ये टोय ट्रेन से आए जो कि पीछे के लोकेशन में आपको दिख रहा है। अभी हालांकि यहां से चली गई ये टोय ट्रेन, तो ये जो है ये कालका से आती है और कालका से लेकर आपको शिमला तक पहुंचाएगी। और कालका से शिमला का जो किराया है वो 50 रुपया, कोई ज्यादा पैसा आपको नहीं लगेगा। 50 रुपीज में आप शिमला पहुंच सकते हैं और शिमला में आने के बाद फिर आप शिमला के और भी हिस्सों में आप घूम सकते हैं। शिमला रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी जो है ट्रेन पहुंची हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है, 1 और 2 है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सुबह का मॉर्निंग 9 बज चुका है, चूँकि ये 3:30 बजे सवेरे चलती है और ये 9 बजे हमें पहुंचाती है शिमला। तो 5 घंटे 6 घंटे का टाइमिंग होता है और हमने दिखाया पूरा सीरीज आपको कि शिमला टॉय ट्रेन जो जब आप सफ़र करेंगे तो क्या क्या सुविधाएं होती है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, 6 बोगियां होते हैं और 6 बोगियां में 20-30 करके ऐसे है, किसी में 15 किसी में 20 इस तरीके से लोग बैठते हैं। इसका जनरल टिकट आपको मिल जाएगा जैसे ही आप आएंगे कालका, तो कालका से आपको जनरल टिकट मिल जाएगा मात्र 50 रुपया। ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना, अगर बस में आते तो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। और इसमें टॉय ट्रेन में एक चीज़ ये फायदा है कि 50 रुपये में आप शिमला आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये गाड़ी में जब आप आएंगे, इस ट्रेन में जब आप आएंगे, तो पूरी तरीके से जो नज़ारा है वो आप देख सकेंगे। पूरा जो पहाड़ियों से घिरा हुआ जो आपको दिखेगा पूरा शहर, वो देखने को मिलेगा टॉय ट्रेन से जब आप आएंगे। तो हालांकि हम लोग से एक चीज़ गलती हुई कि हम 3:30 बजे का जो ट्रेन पकड़े हैं उसमें क्या है कि आप 7 बजे तक कोई भी जो है पूरा अंधेरा छाया हुआ था, मतलब रोशनी आया ही नहीं 7 बजे तक। यहाँ पे सूरज जो है वो सूर्योदय नहीं होता है, जिसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पूरा चीज़ देखना चाहते हैं तो 6 बजे वाली ट्रेन पकड़िएगा। 6:30 में एक चलती है जनरल ट्रेन जिसमें 50 रुपये आपको किराया लगेगा और वो क्या है कि आपको यहाँ पे 11-12 बजे छोड़ेगी और उसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इतनी ठंड है कि हाथ हिल रहा है। अभी यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, -1 डिग्री, और ये पूरा नज़ारा देखिए शिमला का जो कि हमारा पूरा ट्रैवल रहा कालका से लेकर शिमला तक। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई ज़्यादा बजट नहीं है, आप अगर कालका से प्लान कर रहे हैं तो मात्र 50 रुपये में आ सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मैंने आपको दिखाया कि कालका तक पहुँचने में मात्र 110 रुपया लगता है, जो कि पिछला वीडियो जो हमने बताया। तो 110 और 50 170 रुपये में आप शिमला पहुंच सकते हैं। और शिमला के बाहर अभी यहां से निकलेंगे तो आपको होटल वगैरह का सुविधा मिल जाएगा। यहां पे हालांकि आज बर्फबारी नहीं हुई है लेकिन -1 डिग्री सेल्सियस है। और अभी जो है यहां से कुर्फी जाएंगे और वहां पे हो सकता है बर्फबारी हुई है, जो यहां के लोग हैं उनका कहना है। तो अभी वहां चलेंगे, वहां का भी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन ये शिमला रेलवे स्टेशन देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए मेरे साथ में। आप देख सकते हैं बहुत सारे संख्या में लोग आए हुए टूरिस्ट में और ये सारे लोग जो है अभी यहाँ पे लैंड किए हैं, तो यहाँ से अभी अनेक जगह पे जाएंगे। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये रेलवे स्टेशन है, छोटा मोटा रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पीसफुल एरिया है। और ये सुबह का 9 बज चुका है लेकिन अभी -1 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि धूप है लेकिन -1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये था कालका शिमला टॉय ट्रेन का पूरा सफ़र। हमारे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए पूरा पहाड़ी और पहाड़ियों में है, एक एक घर आपको मिलेगा, ऊपर नीचे करके बहुत सारे घर हैं वो पहाड़ियों में बना हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे घर जो है वो बने हुए होते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि यही चीज़ देखने के लिए लोग आते हैं और साथ साथ में यहाँ पे बर्फबारी होता है तो और भी भयानक लगता है, और भी सुंदर लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। बहुत ही भयानक है, मतलब यहाँ का सुंदरता की जितनी भी कि वो किया जाए वो बहुत ही कम है तारीफ। तो अभी यहाँ से भी ट्रेन चलती है, अभी जो वो आई यहीं से अभी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है
वो जाती है यहाँ से ट्रेन। और ये पूरा सफ़र था हमारा कालका से लेकर शिमला तक। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कोई जानकारी चाहिए उसको भी आप बोल सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बजट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो हम पूरा बजट वाला आपको दिखाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें से पूरा बजट का विवरण बताएंगे कि कैसे आएंगे और कितने टाइमिंग में आ सकते हैं और क्या क्या खर्चा लगेगा, इन सभी चीज़ों पर एक और वीडियो पार्टिकुलर बनाएंगे उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये वीडियो था आप लोगों के लिए पूरा सफ़र का, जो कि टॉय ट्रेन का ये हमारा पूरा सफ़र रहा। और आप सफ़र कीजिएगा तो आप बाद में जो ट्रेन चलती है सुबह का उसको लीजिएगा, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो ये पूरा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।